आज मैं आप लोगों को देती हूँ आज की ताजा अपडेट। सुबह सहरी के बाद जब मैं सो गई तो लारिब खालिद का मुझे मैसेज आया कि आज घर में इफ्तार है। आज था मेरा शूट, आज मैं जॉब से भी जल्दी आई हूँ। मैंने कोशिश की कि मैं जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से फ्री हो जाऊँ। आज मेरा एक शूट था जिसका टाइम था 4 बजे। अगर मैं 4 बजे शूट पे जाऊंगी तो मुझे वापस आते आते हो जाएंगे 5:30। अगर मैं 5:30 वापस आऊंगी तो फिर इफ्तार नहीं बना पाऊंगी। तो लारिब खालिद खुद तो लंबी तान के सो गए। अब मैं उनको कॉल्स कर रही हूँ कि लारिब शूट का टाइम आप 1 बजे का कर दें ताकि मैं 2-2.5 बजे तक आ जाऊँ। आते ही फिर मैं इफ्तार की तैयारी शुरू कर दूँ, क्योंकि मैं इतनी प्रो तो हूँ नहीं अभी कि मैं आधे घंटे में सब कुछ बना लूँ। लेकिन लड़कों को कोई टेंशन नहीं होती, लड़कों का बस ये होता है कि आज ये होगा घर में और बस उसके बाद लड़के जाते हैं सो। अब मैं सिम पे कॉल कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे कॉल कर रही हूँ कि लारिब कॉल उठाएं, तो मैं लारिब को बोलूँ कि लाली प्लीज मैनेज करें, कुछ ना कुछ करें, शूट का टाइम जल्दी करें। और फिर लारिब को पता है कि जिस दिन भी मुझे फ्रूट चाट बोल रही हूँ, जिस दिन भी मुझे चना चाट बनानी होती है उस दिन मैं चने बहुत टाइम से डिप कर देती हूँ। एक दफा मैंने सहरी में डिप किए थे और लास्ट टाइम जो मैंने बनाए थे वो मैंने तार में डिप कर दिए थे और वो बहुत अच्छे से फिर वो बॉइल होके बहुत मतलब सही तरह से वो बने थे। लेकिन लारिब खालिद को ये भी याद नहीं था, लारिब ने बोला कि जरनाब उठेगी तो जरनाब सब कर लेगी, मैं सो जाता हूँ, मुझे क्या जरूरत है उठने की। अब ना वो फोन उठा रहे हैं, अब मेरे पास फोटोग्राफर का वीडियोग्राफर का नंबर भी नहीं है कि मैं उसको खुद कॉल करके बोल दूं कि भाई हमने टाइम थोड़ा जल्दी का कर लिया। ऑब्वियसली उसको भी काम होगा, उसने भी अपनी टाइमलाइन सेट की होगी। ये हो रहा है पैनिक अटैक। हालांकि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब अल्लाह माफ करे कोई बहुत जजमेंटल लोग नहीं आ रहे, बिल्कुल फैमिली वाली बात है, तो सिर्फ खजूर भी जाके रख दूंगी तो खुशी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इंसान का दिल चाहता है ना कि ऑब्वियसली वो करे। तो मैंने सोचा है आज मैं बनाऊंगी पास्ता आज मैं बनाऊंगी पास्ता, चना चाट, फ्रूट चाट, दही भड़े, पकौड़े, समोसे। बहुत ज्यादा हो गया, जरा अवकाश में वापस आ जाओ यार। सोचा तो है, इंशाल्लाह जब सोचा है तो बना भी लूंगी, लेकिन बस अल्लाह करे सब कुछ टाइम पे हो जाए। क्योंकि अगर शूट मेरा नहीं हुआ तो भी मेरा मसला है, क्योंकि मेरा शूट पंजाब जाने से पहले का शूट था, मुझे नहीं पता था मैं घर चली जाऊंगी, तो मैंने वो शूट नहीं करवाया क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं करवा लूंगी। अब वो शूट भी लटक गया है, कल उसकी डेडलाइन है, मुझे कल वो शूट हर हाल में सबमिट करवाना है। अगर मैं 4 बजे गई तो बहुत ही ऑफ सीन हो जाएगा, तो अभी मैं फटाफट से पहले तो घर जाके लारिब को मारूंगी, इसलिए कि वो उठे नहीं। मतलब उनको चाहिए था कि वो उठ के टाइमली सब कुछ ला के घर में दे देते, ताकि अभी मैं जाती कुछ ना कुछ तैयारी कर लेती, मतलब देख लेती कि हाँ भाई ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, फलां होगा। खैर अभी तो इट्स टू अर्ली, अभी इट्स 12 PM, तो देखते हैं क्या होता है। जाके सबसे पहले तो लारिब को उठाती हूँ बस। जरनाब फातिमा इज वेरी प्रो, यू कैन डू इट गर्ल, यू कैन डू इट। यहाँ से तो रोड ही बंद कर दिया इन लोगों ने। What's wrong with Khawraj, I mean? और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेज, ऑल द दुआज जो लोगों ने भेजी हैं कि आप लोग उम्रे पे जा रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने बोला कि हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह 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 सबको याद रखेंगे। ऑब्वियसली सबके नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन जितने भी हमारे चाहने वाले हैं और जो नहीं भी चाहने वाले उनके लिए भी दुआ कर देंगे, क्योंकि बहुत ही पाक जगह पे जाने का है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस अल्लाह खैर करे, सब कुछ अच्छे से हो जाए, टाइम से हो जाए सब कुछ। जब भी किसी की कोई अच्छी चीज़ या खुशी देखा करें तो प्लीज़ माशाल्लाह बोला करें। और अभी भी मैं कल भी लेटी यही सोच रही थी, मैंने कहा यार मैं वाकई मतलब उमरा करने जाऊंगी। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, चलो अभी नहीं बताऊंगी, जब हम उमरे पे जाएंगे ना तब मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी। यार मैं प्यारी लग रही हूँ, आई हई वहां से लाइट अच्छी थी। जब मैं उमरे पे जाऊंगी ना तो मैं तब आप लोगों को एक बात बताऊंगी। जैसे मैंने लारिब से निकाह, लारिब को मैंने बोला था कि लारिब मैं आपको निकाह के टाइम पे एक बात बताऊंगी, वो बात यही थी कि मैंने अपने घर में बोला हुआ था कि वो लड़की खुशकिस्मत होगी जिसकी लारिब से शादी होगी, लेकिन ये मैंने निकाह होने के बाद बताया। इसी तरह अब जब हम उम्रे पे जाएंगे इंशाल्लाह, तो मैं तब जो भी हमारा व्लॉग होगा तो मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या मतलब क्या बात थी जो मैंने अभी आपको बताया। रहे वो बलून जो कल सुबह मेरे लिए लेके आई थी, थैंक यू सबा। अब मैं जाके पहले लारिब को उठाऊँ क्योंकि मुझे लारिब पर बहुत गुस्सा है और ये वो वाले हैं जो बड्डे बड़े। एक मिनट से पहले उठ जाए, सिर्फ मैसेज करना याद है कि ये होगा घर में, ये होगा, उठ के कोई तैयारी भी करनी होती है। फिर सामान कौन ला के देगा, शूट का टाइम आपको चाहिए था ना, आप शूट का टाइम फिर जल्दी कर देते। कॉल करें उसको, बोले 1 बजे शूट है, आंखें खोलें, उठे फौरन, उठे फौरन। खाना भी घर पे मैं बनाऊं सारा, अभी शूट करने भी मैं अकेली जाऊं, इतनी मुश्किल से उठे हैं। सही है, वो भी आज जुमा था तो अल्लाह ने करम कर दिया अपना, तो उठ गए। अब मैंने बोला कि लारिब मेरे साथ शूट पे चले, आज मैं जॉब से आगे सोई भी नहीं हूँ, क्योंकि सारी समय सोती तो फिर रेडी कब, देर से होती तो शूट पे लेट से जाती, शूट पे लेट से जाती तो शूट से लेट पे आती, शूट से लेट आती तो खाना लेट बनता, खाना लेट बनता तो इफ्तारी लेट होती, इफ्तार लेट होती तो सारा कुछ खराब हो जाता। सही है, पूरा साइकिल चला था ना। हालांकि अभी भी मैं लेट ही जा रही हूँ, क्योंकि
3:30-4 बजे तक का ही शूट का वही जो टाइम था वही टाइम है, देखते हैं क्या होता है, कैसे मैनेज होता है सब। और मैंने लारेब को बोला कि लारेब आप मेरे साथ चलें शूट पे, तो लारेब ने मुझे बोला नहीं आप जाएं शूट करके आ जाएं, मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ अपने बिस्तर पर लेटना है गाइज। अल्लाह क्या बन के आ गए। मैं बता रही हूँ अगर ये मेरे साथ शूट पे नहीं गए ना, अनफॉलो फ्रॉम इंस्टाग्राम टिकटॉक और यूट्यूब का चैनल भी इनका अलग होगा, ये मेरा चैनल है जी, दिस इज माय चैनल ओके। हाँ जी शूट करने के लिए आ गया और जितना ही जल्दी करने की कोशिश किया ना उतना ही लेट हो गया। अभी टाइम हो रहा है 3:40, अभी मैं आई हूँ शूट करने में तकरीबन मुझे डेढ़ घंटा लगेगा और उसके बाद मुझे पता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे चेंज भी करना है दो दफा। मेरे आ गए सेल पे, यो एक्सक्यूज हिम गाइस, पता नहीं मैं घर जाके कैसे अफ्तार बनाऊंगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। मैंने मंगवाया था अमेरिका से, ये आ गए। हेलो कैसे हो। और ये ड्रेस जो है मैंने लास्ट टाइम ईद पे पहना था और अभी जब मैंने पहना तो ये मेरे सर पे इधर फंस गया था और यहाँ पे मेरा निशान आ गया था, या तो मेरा सर बड़ा हो गया या तो बस यही ऑप्शन एक ही चीज़ हो सकती है, मेरा सर बड़ा हो गया गाइस। और तो ना मुंह बड़ा हुआ ना वैसे मैं हेल्दी हुई, क्योंकि मेरा सर बड़ा हो गया, क्योंकि लाया मेरा सर खाते बहुत हैं तो मेरा सर अपने आप को रिन्यू करता रहता है। अच्छा गाइस इस चीज जो भी मिनट पे ब्लॉग का सिस्टम होगा ना, या फिर जो भी मिलो जो भी जिस भी मिनट पे होगा आपने करना है हा हा हा। और लारेब ने आज मुझे बोला है कि मेरी बीबी कोजी है। क्या कोजी? कोजी रमजान में झूठ, अगर मैं कोजी हूं ना तो जल्दी चलिए मेहमान आएंगे बनाने इफ्तार। मैडम का शूट चल रहा है, जूते खाने जा रहे हैं, तो वो भी हमें देखने पड़ेंगे, सब हमें देखना है भाई, खुद को कुछ करना ही नहीं है। जी जी साहब, ये मैडम की भी है भाई, मैं ऑप्शंस लेकर जल्दी चले, काम है बहुत सारा। मैंने ईद के लिए चश्मे ले लिए कि अगर जहाँ पे मैंने देखना नहीं किसी को वो मैं ये कर लूंगा। हेलो चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, घंटा रह गया सिर्फ, जल्दी जल्दी इफ्तारी बेगम जल्दी, सब आ जाएंगे सब आ जाएंगे, मेहमान आने वाले गाइस, मेहमान आने वाले हैं। अभी होने वाला ये है कि हम जो है इस सोफे को 5:15 हो रहे हैं, ये भी बता दें 5:15 हो रहे हैं, मेरी बेगम मारेगी टर्बो, ऐसी मस्त इफ्तारी बनाएगी मेरी बेगम कि आप लोग रह जाएंगे दम। तो अभी होने वाला ये है कि भाई ये सोफा थोड़ा सा पीछे जाएगा, हम इस कारपेट को रोल करा रहे हैं, हम यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास करवाएंगे और एक मजेदार सा सेटअप करवाएंगे हमारे भाई और बहन के लिए। अभी वो लोग आ रहे हैं, फिर इसके बाद जो भी हमारे घर पे भाई बहन आएंगे हम उनके लिए ऐसे ही एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है वो फटाफट डेकोर वाला रहे, टाइम हो गया बहुत देर से, फटाफट आपका भाई फटाफट नहाता है चेंज करता है फुल सीन ऑन, समझ रहे हो, फिर जो है ना अब आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। भाई सेटअप लगना शुरू हो गया है और अभी हमने सोफे यहाँ कर दिए हैं, अंदर कारपेट फेंक दिया है, कैसा होता है सेटअप आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ी देर में। हमने अभी बैठ के देखा कि कैसे सही लगेगा, तो हमने डबल वाला अभी कैंसिल करते क्योंकि बड़ी गद्दियाँ अभी अवेलेबल नहीं थी, तो जरनाम ने बैठ के ऐसे निवाला खा के चेक करा है ऐसी बहबाना के लाली सिंगल पटरा सही है। भाई लोग फुल जोर शोर से लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम निपट जाए और रेडी हो जाए पूरा सेट। ये तो ना बस आता ही, बस इसकी ये जगह है और इसने किसी को लिफ्ट नहीं करानी होती, लेकिन अभी हमारा सेटअप भी लग रहा था, इन लोगों ने पहले छापा मार लिया, दिस इज सो बैड। हाँ ये इसने मुझे ये कल देना था इनके साथ लेकिन ये भूल गई थी, वो बासी के चक्कर में भूल गई, और बुके भी लाइए मेरे लिए गाइस। मैं इतने चौड़े में बोल रहा था कि बस जल्दी जल्दी जाता हूँ चेंज करता हूँ सब करता हूँ और मेहमान पहले ही आ गए, तो दुनिया में हर जगह लेट जाता है, वो हमारा हाजी साहब पहले ही आ गया भाई। हमने सारे जल्दी क्यों आए हो, हमने बात की हुई थी कि कल हम अफ्तारी करेंगे, तो मतलब अफ्तारी के लिए पूरा टाइम हो गया, बस मैंने अपना कैलकुलेट किया तो मैं तो 3 बजे से आ रहा था। 3 बजे बोले सब चलो, मैंने कहा कैसे कैसे करेंगे, टाइम चेंज करेंगे, गेम शेम खेलेंगे, उसके बाद अभी खेल लेंगे, इसके बाद खेल लेंगे, देखेंगे गेम पे हमला, ए गेम देखे तो टूट जाएगा इसकी ना, यही जगह ये बस आता है डायरेक्ट यहां जाता है। अच्छा खेल लो खेल लो खेल लो खेल लो, आपका ये खेल लो, ठीक है सफर, ठीक है ठीक है ठीक है, अरे वाह 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 वाह। हाँ भाई बासिल भाई ये क्या कर रहे हो आप, मैंने देख लिया पकड़ लिया आपको मैंने, व्हाट आर यू डूइंग, कंट्रोलर कहाँ है, वहाँ है ओके, पापा कहाँ हैं, बाहर हैं ओके, ओए नहीं नो नो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। कैसे हो पापा यार, आप बताओ कि फरिया और क्यों नहीं आई,
यार दादी आई अचानक अचानक आई तो दादी फर्स्ट टाइम घर से अपने निकली है काफी टाइम बाद अगर हमारे घर पे आई इफ्तार करने तुम लोगों को पता भी नहीं सरप्राइज दिया उन्होंने दादी सरप्राइज देती है हमेशा और अब हमारा प्लान डन था तो मैं दादी से बोला दादी अच्छा है तुम लोगों ने हमें सरप्राइज ही दिया के लारे दादी आ गई है तो इस पत्ते पे लाली तो डांस कर ले अब पॉसिबल है इसको जबान दे दी जबान बस आपके बेटे को खजूर पसंद है खजूर क्या उसको सारी प्लेटें पसंद है तोड़ने के लिए तभी सब तोड़ देगा वो उसके पत्ते ही पसंद नहीं सब पसंद है बस ये इसके बाद जो है ना मजदूरों के साथ हम बासिल को बोलेंगे इसको उतार दे भाई फटाफट उतारो जल्दी उतार यार 2015 के बाद आपके भाई ने जो है ना वो पहना है जुब्बा बड़े जमाने तवील के बाद और नाजिब भाई ने बनाया माशाल्लाह हमेशा की तरह और टुडे वेयरिंग नाजिब मैं जुब्बा मैं बोलूँ थोड़ा सा बस इसकी जो है ना नाजिब को बोलूँगा थोड़ी सी इसकी इसको हल्का सा ऊपर होना चाहिए तो बाकी जो है वो थोड़े से कट करवा देंगे मगर वेरी गुड ब्राउन कलर का मज़ेदार जुब्बा सही लग रहा है लाली पे आपके बताओ ऐसे भी थोड़े दिनों में सब कुछ कटने पुटने वाला है भाई साहब अजान नहीं हुई अभी ओ अंग्रेज अजान नहीं हुई अभी क्या कर रहे हो कॉन्सेंट्रेशन देखो गाइस हमारे छोटे का आप बस सबसे अच्छी बात बासिल की मुझे ये लगती है कि ये माशाल्लाह सब खा लेता है नाटक चोचले नहीं करता बस इसको हाथ में दे दो फेंकेगा भी खाएगा भी ऐसे होने चाहिए बच्चे मस्त मलाई खोपड़ा सस्त समोसे समोसे आ गए हैं ये सबा ने बनाए ये दरनाम ने बनाए ये आपके भाई ने बनाए गोरे समोसे माशाल्लाह सेटअप जो है वो अच्छा लग रहा है और माज भाई क्रिकेट खेल रहे हैं माज भाई के साथ एक मैच खेलेंगे इसमें आ जाना भाई मैंने अभी एक ही दफा खेला है और ये लोग ज्यादा रोज खेलते हैं मगर फिर भी मुकाबला करेंगे फ्रूट आ गए अंगूर ये लंगूर ये ले अंगूर अंगूर खाओ तो मास तो ऐसी है छोटू आपको कैसा लगा आप ये देखो मैंने आपका वो कैसा मस्त उसका स्टाइल लगा ये कहीं जाएगा नहीं हर वीडियो में आएगा पीछे सवा बलून लाई थी ना कल पता है क्या हुआ कल जो है ना वो जो मेरे ने दूसरे बलून लगाए ना आहिस्ता वो आगे आ रहे हैं वो गली के अंदर थे नहीं मैं नहीं था मैं मैच खेलने गया था तो सरना मुझे फोन पे फोन करी मेरे को पता ही नहीं मैं अपने नॉर्मल टाइम पर आया सरना बोलती कहाँ थे फोन क्यों उठा रहे थे तो मैंने यार बाबा मैं गाड़ी चला रहा था नहीं निकाला बोलती मैं डर गई मैंने क्यों बलून जो है ना वो कमरे में गया पंखा चला था बोलती समझ गोलियां चल गई सांस रुक गई अभी फिर फटा था एक बम मास वार्निंग देते हुए मास जो है ना जना के खड़ा हो गया जल्दी आ जाओ दुआ करो जल्दी आ जाओ जना के पकौड़े बहुत छोटे अल्लाह की कसम सारा दिन मुझसे बात नहीं करेंगे दिन तो गुजर गया दिन अब तो रात लगी अब तो बात कर लेते कैसी है आप रात लग गई है ये जो दो प्लेट्स हैं ना इसमें एक में पकोड़े कर दो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो इफ्तारी हो गई है और सारे फूड खराब कर दिए होंगे मां ने एज यूजुअल बहुत अच्छे पकोड़े बनाए मेरी बेगम ने और माज भाई को समोसे अच्छे लगे मगर माज भाई और सभा भाई की इफ्तारी में इनकी एक्टिविटी करवा रहा है इनका बेटा हमारा खाना दम खराब खराब कर दिए होंगे मार मार के भाई फूड खराब तो क्या हो रही है ये क्या हो रहा है क्या बचपन है बड़े नहीं हो गए तुम अभी हो जाए बड़ा अभी फॉरन हो जाए ट्रांजिशन हो जाए टिकटॉक की वीडियो ट्रांजिशन हो जाए बड़ा हो जाए मिनी सिनेमा चल रहा है भाई वाह कंट्रोलर कहाँ है ये ब्लॉग के सामने कुछ नहीं बता सही है गुड बैठ जाओ बस ठीक है अब लेट जाओ अपने पास रखो ठीक है ओके चलो नाइस बस सब उठा दिया आपने चुप कर जाएं मेरे ख्याल से मैंने अपना घर इतना ही देखा होगा जितना बासिल को रेडी किया होगा भाईजान बस 5 मिनट में हमारा जो है ना मोहसिन भाई सौतेली माँ बनी हुई हमारी नेट सही कर देना तो उसके बाद फिर अपन लगाते हैं एक मैच 10-10 ओवर खेलेंगे या 20-20 ओवर का 20-20 बॉलिंग करेगा ये सिम्युलेट वाला मसला नहीं करना मेरे साथ ठीक है डन अच्छा यहाँ सीन ये है कि माज ने फुल टाइम इन लोगों ने खेला लगातार मगर इन लोग ने हमेशा बैटिंग करते बॉलिंग भगा देते तो आज इसको बॉलिंग भी करनी पड़ेगी मेरे को थोड़ी सी बॉलिंग आती है कहीं ना कहीं तो फंसोगे ठाको सख्त मुकाबले के साथ क्रिकेट का मैच यहाँ पर होता है शुरू अब गुरु भाई चैंपियन है वैसी क्रिकेट के अपन अभी बच्चे हैं इनके सामने फिर भी हम इनसे मैच लगा के देखते हैं 5-10 ओवर का मैच लगा के पहले वार्म अप करते हैं कौन सी टीम लोग हैं पाकिस्तान की तू पाकिस्तान ले रहा है दिन में जाएगी मैं तो फंस गया फिर चल मैं इंडिया ले लूँ मुझे और सभा को जाना था अंदर ये क्या बदतमीजी यार शर्म नहीं आ रही हम समझे कि वो
कोई लिफ्ट नहीं मिली हमें अपने अपने शोहरों से, तो बस हम आपकी सबके औकात में आके बैठ गए दोनों। आपस में बातें कर लेंगे अभी, देखो कोई ऐसा मैच कर रहा है, हम भी खेलें। सुनी दो कंट्रोलर है सिर्फ, तो हम दोनों खेलेंगे ये हो सकता है। लाली हमें गेम लगा के दे, टेकन एट टेकन लगा के दे, देखने देगा मैं किस तरह देख रहा हूं ना, खतरनाक मैच डेविल जिन और जिन, भाई भाई और ये असली जिन। ये मुझसे ले लिया रिमोट कंट्रोल, मैं खेल रही हूं। किसने किसको मारा है? या आप मार रही हो, या आप हो, ये जो जैसे लात मारी। अच्छा मैं तो उस तरफ आ गई। हां मारे मारे, एक में बात भाई खड़ा तो होने दे। ओ मैं गई, मैं तो मर गई। लाली नहीं मरेंगी, मां मार रही। ये मार भाई ब्लॉक कर रहे हैं। अब दोनों बाबा भूलेंगे, बच्चा सो रहा है। कौन कर रहा है? खड़े खड़े मारे, आप खड़े मारे तो सही, खड़ा मारे 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 मारे, आप मार रही मारे ना। आप मारी मारे 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 बिना मारे गरी तो जाके मारे, वो सारे बटन दबा रही है। हाँ ये आगे तो जाए, नहीं देख भैया आगे पीछे नहीं जा रही, नहीं देख आगे कहाँ सुनाने, इससे चलता है दोनों बटन छोड़ेंगे तो बटन दे देगा आगे। अच्छा मैं उधर मार रही हूँ यार, मैं किस पर हवा आ गई। अब क्या है, बारी आखिरी आखिरी राउंड है, आखिरी राउंड है यार। सबा बहुत जोर से मारी, लाली इसको बटन छोड़ देते हैं। सबा एक मिनट, अबे आप मार रही हो उसको, जल्दी मार। सबा पास में रोने जाओ, देखते रहो। बाबा सबा को आता है, देखे क्या उठाके मारी मेरी भाई। अच्छा सुन सबा का, अच्छा क्या सबा ये बटन से खेलती है ना, अभी यूज नहीं करती, आगे पीछे ना दो ही बटन मार रही बस। मैं एक जगह खड़ी होगी, हाँ ना आगे पीछे दुआ करें। गाइस आप मजा आ रहा है मुझे, मैं तमाशाई बन के देख रहा हूँ। चले मारे, अबे अच्छा है आप उठ रहे, उठे फिर वो आपको उठने नहीं दे रही, पागल हो गई सबा, पागल हो गई है। जरा मारे मारे मारे, जरा मारे 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 मारे, जरा मारे मारे मारे, जरा दिल जा मारे मारे मारे। तो भाई हमारी गेमिंग सेशन भी कंप्लीट हो गई है, हमारे माँ साहब यहाँ पर कर रहे हैं रेस्ट, और हमारा छोटा बासिल जो है वो पावर नैप ले रहा है, और गेमिंग हमारी हो गई है। अब हम जा रहे हैं डिनर टाइप सीन्स, अच्छा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, इसलिए हम अपनी फेवरेट जगह पे जा रहे हैं। जब जाएंगे तो आपको पता लग ही जाएगा, हम एक ही जगह जाते हैं वहीं जाएंगे, बहुत दूर तो नहीं जा रहे कहीं, नहीं जा रहे। तुम्हारी गाड़ी तो ऐसी है रॉकेट हो जाती, मैंने सुना है उस पर शेर ऐसा उठ निकल के बाहर आया था। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जब ये मक्खन लगा रहे हो ताकि दूर ना चले, दूर तो नहीं जा रहे पहले सही बता दो। हम एक ही गाड़ी में चलेंगे, मेरी गाड़ी लेते हैं, मस्त चलते हैं उसमें, शबाटर रॉकेट होते हुए, ठीक है। नाखून चबाने की जरूरत नहीं, खाना मिलेगा अभी तुम्हारे को छोटे, वो तुम खाएंगे, लेकिन ले किधर जा रहे हो? बस ये राज भी उसी के साथ चला। चलो भाई लेट्स गो यार, फटाफट चलो जल्दी पहुंचो, जल्दी दस्ती दस्ती। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई आप? हम लोग खाना खाने आए थे, आप लोग कैसे? ओ हम भी खाना ही खाने आए थे, हमें पता था आप यहाँ आ रही, तो हम नहीं आते, हम फिर कहीं और चले जाते। हम बराबर में चले जाते हैं यार। बासिल के अभी तक आंखें नहीं खुली, नींद में है बिल्कुल। सबसे पहले जो प्रोटोकॉल मिलती है ना, वो मिलती है हमारे बासिल को, क्योंकि बासिल के आते ही जो है ना वो ये वाली चेयर आ जाती है, बासिल के फ्राइज आ जाते हैं, बासिल का सिनेमा खुल जाता है, जिंदगी तो बासिल जी रहा है भाई। हमने भी जी, हमने प्रिंस ट्रीटमेंट सर। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर जाएंगे सर, फरमाया अब आप क्या खाएंगे? मैं बोल रहा हूँ कि इनको बोलते हैं कि यार जो बचा हुआ है ना किसी का, थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन माज और मुझे फुल ऑन एसएस है माज और। हमने जो एक हांडी मंगाई जो कि माज मैं सबा शेयर करेंगे, जिसमें तीनों की रोटियां अलग है, मेरी लाल आटे की रोटी है, सबा की रोगनी नान है, और माज की प्लेन नान। मेरा मंगाया ही, आपका अलग से बोल दिया, खतरनाक।
क्या बोला खतरनाक। अच्छा है वो बच्चों की चपाती आती है आधी मिल जाएगी तो आधी माँ इसको दे देंगे जरना को दे देंगे। हाँ छोटी सी इतनी सी ना लेते ना तीनने वाले वाली बस सही है वो एक ही निवाला होता है। मछेरे भाई अपने कल के बारहवीं का इंतजाम करो। तो फिश फ्राई भी होती है भाई क्या ये भी सही था डामाडोल बहुत ही है। हाँ जी क्या हुआ नहीं जा रहा कोई कहीं भी भाई। अब पानी ऊपर आ गया पैर ऊपर कर ले सारे पैर ऊपर कर ले पानी आ जाएगा पैर ऊपर कर लो। गर्मा गर्म ब्राउनी आ गई है तो इनके पेट में जाके छा गई है। तो कैसी लगी आपको मिस्टर एंड मिसेस मॉस ऑफ द बहुत मजे की। यो बेबी व्हाट्सअप एंजी हां बता रही हूं आपसे किसी ने बात करी है आपसे किसी ने बात की है यहाँ इसमें आग लगा दूं मैं इसमें आग लगा तोड़ दूं ये आपसे अच्छा लगता है। पहली दफा वासिल आरब से हिल रहे हैं। ब्राउनी 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 माय फेवरेट ब्राउनी ये थैंक यू। हाँ लालिब आपको बुला रहे हैं जी। क्या हुआ ब्राउनी खाएंगे बासिल जो है वो बस इंजॉय कर रहा है उसका दिल नहीं चाह रहा कि वो वापस जाए कभी भी नहीं आएगा उसने पानी देख लिया है पानी का शदाई है वो। लाली इसको उठा के हाथ लगाए अबे कैसा है अब उसका मतलब है ना समझे बी केयरफुल है ना और डर गया। फाइनली मिस्टर एंड मिसेस सफदर हमारे पास से अलविदा। बिल्कुल भाई बहुत मजा आया यार बहुत मजा आया। एक मिनट यार बासिल फ्राइज अच्छे थे बहुत खजूर जो खाई थी सही थी ना सही थी बोलो बोलो बड़ी मजे की थी बहुत मजे की थी वरना मैंने बोला अभी बाप के व्लॉग में बोल रहा मेरे व्लॉग में नहीं बोल रहा उसको भी देख के बोलता है चला को रे के वहां जाना पानी के पास चलो भाई थैंक यू सो मच जाना बहुत अच्छा था बाय बाय मिनी व्लॉगर। सो भाई हम लोग आ गए फाइनली घर। बेगम मेरी जो है वो बहुत थक गई क्योंकि उन्होंने आज माशाल्लाह उन्होंने एक घंटे में इतनी सारी चीज़ें तैयार करी और फुल नॉन स्टॉप ताकत और हिम्मत लगा के। और अभी ये नींद में है बिल्कुल टन और हो गई है बिल्कुल सुन। सो यू स्लीपिंग गोल हो गई आउट मैं जरी हूँ। शहरी आपके भाई की हो गई और इतना पानी आपके भाई ने पी लिया है एक पूरी निपटा दी दूसरी आधी हुई और फिर अजान हो गई। तो बस उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। बहुत मज़ा आया बहुत मज़े का दिन गुजरा एंड हेड्स ऑफ एंड ह्यूज रिस्पेक्ट टू जरनाब क्योंकि जरनाब ने आई स्वेयर के एक घंटे में सारी तैयारी की और ये सारी चीज़ें जरनाब ने एक घंटे में बनाई है। 6:44 पे रोज़ा खुलता है 5:31 पे हम घर में आए हैं आफ्टर शूट और जरनाब ने ना आओ देखा है ना ताओ देखा है सीधा गेट से घुसती किचन में घुसी है ये और काम करती रही हैं। मेरी बहुत ही ज़िम्मेदार बेगम है माशाल्लाह 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 एंड आई लव यू गर्ल। सो बहुत सारा प्यार बरसा दो भाई ब्लॉग पे और सब्सक्राइब करना मत भूलो। देखो सब्सक्राइब लाजमी करो वी हैव टू रीच 700K सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल एंड वी हैव टू मेक ज़ारिब फैम 700K स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह आमीन। बहुत सारे मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें। लाली आउट गोल आउट ओके ता